दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च द्वारा निकाली गई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब के बारे में बात करेंगे। ये जो जॉब है यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, एक प्रोजेक्ट के लिए है। और बात करें यहाँ पर डेट ऑफ इंटरव्यू की, तो जो इंटरव्यू है यहाँ पर वो आपका 11 मई को इंटरव्यू है सुबह 10 बजे, और इससे पहले आपको कुछ घंटे पहले आपको वहाँ पर पहुंच जाना है। अच्छा, यहाँ पर हम सारी डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ उस बेल के आइकन को जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं कोई फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर क्या है कि आपको कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है। एक छोटा सा एग्जाम होगा और साथ में आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो 5 पोस्ट है यंग प्रोफेशनल की, जिनमें की 25,000 रुपये सैलरी पर मंथ है, और उसके बाद यंग प्रोफेशनल की कुछ 4 पोस्ट अलग से है जिसमें की 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी है यहाँ पर। तो अब हम डिटेल में जान लेते हैं कि जो क्या प्रोजेक्ट है और क्या क्या वैकेंसीज हैं और क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगे हैं। तो यहाँ पर जो पहली 4 पोस्ट है उनको अलग अलग एजुकेशन वाइज जो है डिवाइड किया गया है, और यहाँ पर जो सैलरी है वो है 35,000 रुपये। तो यहाँ पर जो पहली पोस्ट है वो है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के लिए, और यहाँ पर आपका MSc होना चाहिए एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी या नेमाटोलॉजी, और या फिर इसके रिलेवेंट जो है बेसिक्स में होनी चाहिए, बेसिक साइंस में। और यहाँ पर ये जो पोस्ट है वो एक है, और इसका जो स्कीम है यानी कि जो प्रोजेक्ट रहेगा वो 31 मार्च 2022 तक रहेगा। डेट ऑफ इंटरव्यू वही है, 11 मई को इसका इंटरव्यू होगा, और 10 बजे जो है आपका जो इंटरव्यू है तो उससे पहले आपको वहाँ पर पहुँचना है। और उसी में आगे अगर हम बात करें तो जो सेकंड पोस्ट है वो प्लांट पैथोलॉजी के लिए, और यहाँ पर सेम वही मांगा गया है, आपके MSc आपके चाहिए प्लांट पैथोलॉजी में या नेमेटोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी या फिर इसके रिलेवेंट बेसिक साइंस में, और यहाँ पर भी एक पोस्ट है, सब बाकी सब कुछ सेम रहेगा। उसके बाद है आपके प्लांट ब्रीडिंग के लिए, यहाँ पर भी वही है, MSc आपकी चाहिए प्लांट ब्रीडिंग में जेनेटिक्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी, और या फिर आपके होने चाहिए रिलेवेंट बेसिक साइंस आपके होने चाहिए। और यहाँ पर ये जो पोस्ट है वो 2 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर जो 4 पोस्ट थी उनको एक पहले डिवाइड कर दिया एंटोमोलॉजी में, दूसरा पैथोलॉजी में, और तीसरा जो है, और जो बाकी जो बच गई 2 पोस्ट हैं उनको प्लांट ब्रीडिंग के लिए डिवाइड कर दिया गया अलग से, और बाकी सब सेम है। पीरियड सबका सेम रहेगा, यानी कि जो प्रोजेक्ट रहेगा वो 31 मई 2022 तक ही रहेगा। डेट ऑफ इंटरव्यू सेम है, और यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा गया है कि आपको गुड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, स्पेशली आपको एक्सेल प्रोग्राम की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी यहाँ पर दी गई, जैसे नॉलेज ऑफ एलिसा एंड मॉलिक्यूलर टेक्निक्स की आपकी नॉलेज होनी चाहिए, इन केस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के लिए आपको इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात करें जो और जो पोस्ट, 4 पोजीशन जो है वो यंग प्रोफेशनल 1 वाली, उसमें आपकी 25,000 रुपये सैलरी है, और यहाँ पर जो है आपकी BSc मांगी है, BSc आपकी एग्रीकल्चर लाइफ साइंस में होनी चाहिए, और यहाँ पर आपको गुड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। जो पीरियड रहेगा प्रोजेक्ट का वो सेम वही रहेगा 31 मई 2022 तक, और सेम इंटरव्यू डेट भी वही है 11 मई। उसके बाद यहाँ पर बात करें अगर जो यंग प्रोफेशनल 1 एक लास्ट पोस्ट है, और इसमें 25,000 रुपये सैलरी वही है सेम, और यहाँ पर भी सेम वही क्वालिफिकेशन मांगी है जो ऊपर मांगी गई है, और ये रहेगी आपकी जैसे इसमें आपका वही रहेगा, और यहाँ पर भी आपकी सेम वही क्वालिफिकेशन मांगी है BSc एग्रीकल्चर लाइफ साइंस में, और कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए वर्किंग। यहाँ पर सिर्फ इनको अलग अलग क्यों किया गया है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है, ये प्रोजेक्ट अलग है और ये प्रोजेक्ट अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। बात करें यहाँ पर इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू जब आपको जाना है तो आपको अपने सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ लेकर जाना है, और साथ साथ अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जानी है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और सबकी फोटो कॉपीज लेके जानी है साथ में, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको एक से ज्यादा लेके जानी है ताकि वहाँ पर अगर जरूरत पड़े तो आप दे सकें। बात करें यहाँ पर जो डेट ऑफ इंटरव्यू, तो वही है 11 मई है, और आपको 10 बजे तक वहाँ पर पहुँचना है, उससे पहले आपको पहुँचना है, और वहाँ पर एक छोटा आपका 1 आवर का एक रिटर्न टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। देखिए, अगर आप बिना डिग्री या फिर बिना मास्टर डिग्री के जो सर्टिफिकेट्स वगैरह उनके बगैर आप जाएंगे, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप मत जाइए, और अगर आप एलिजिबल हैं तो वो सारे लेकर जाइए, अगर आप लेकर नहीं जाएंगे तो आपको इंटरव्यू अटेंड करने नहीं दिया जाएगा। एज लिमिट जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो एज लिमिट यहाँ पर दी गई है 21 से 45 साल दी गई है, ठीक है, और एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर मिलेगा, जैसे कि SC ST OBC एंड अदर एग्जाम कैटेगरीज जो होती हैं उनमें जैसा भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो यहाँ पर दिया जाएगा, और COVID-19 की पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से जो है आपको सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर मेंटेन करनी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ साथ बेल के आइकन को जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँ तो उस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।